अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जहाँ भी हो खुश आबाद हो, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में हो। अल्लाह ताला आप सबको सेहत आफियत तंदुरुस्ती के साथ में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो कैसे हैं आप लोग? और अल्लाह करे खुश रहें, आबाद रहें, हंसते बसते अपने घरों में। तो आज हमारे किचन में देखें क्या बनने जा रहा है। तो मैं आज बहुत ही रमज़ान के लिए ये सब मैं बना रही हूँ अभी। तो ये रमज़ान के लिए हम इफ्तार में बना सकते हैं। बच्चे देखें, ऐसा भी आजकल इतना न्यूट्रिएंट्स आयरन बच्चों में इतना कमी हो रही है, क्योंकि आजकल बच्चे अच्छा खाना नहीं लेते, बर्गर डाइट ये सब खाते हैं, तो जो उनके सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और अच्छा नहीं होता। तो ये इफ्तार में मैं जो ये बनाना बता रही हूँ आपको, तो रोज़े के बाद में तो ऐसा भी इतना कोई खाया नहीं जाता, तो आप इसको डिनर में भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, लंच में भी बना सकते हैं और इफ्तार में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली हूँ बटरफ्लाई पास्ता, जिसको मैंने पानी के अंदर नमक और एक चम्मच ऑयल डाल के बॉईल करके रख ली हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखें, मैंने थोड़ा सा चिकन ली हूँ, यहाँ पे लहसुन और दो हरी मिर्ची को दरदरा हमाम दस्ते में मोटा मोटा कूट ली हूँ। इस तरीके से मैं टमाटे को स्लाइस रखी हूँ, इसलिए कि हम ये फिनिश पास्ता बना रहे हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा ये डेकोरेशन के लिए मैंने ये इतना थोड़ा सा टमाटर लिया है। यहाँ पे देखिए पालक है, कितना ग्रीन कलर है, इसके अंदर कोई कलर नहीं है। और ये पालक को मैंने धो के पानी बॉईल आ गया, उसके अंदर मैंने रखी 2 मिनट के लिए, बाद में निकाल के नल के नीचे धो के इसको एक आइस क्यूब डाल के मैंने मिक्सी में 2 हरी मिर्चों के साथ में इसका पेस्ट अच्छे तरीके से बना ली हूँ। और यहाँ पे जो हम हरी प्याज यूज करते हैं, स्प्रिंग अनियन, उसका ये वाइट वाला पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है, बटर है। आइए बनाना शुरू करते हैं। इजी सिंपल सी रेसिपी है, रमज़ान में बनाइएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। तो बहुत ही जल्दी अभी रमज़ान हमारे आने वाले हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इससे पहले मैं सोची क्यों ना मैं अपने फ्रेंडों के साथ में रेसिपी शेयर करूँ। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मैं गैस को मैंने कर दी हूँ ऑन, और इसके अंदर अभी हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ा ऑयल डाली हूँ क्योंकि बटर हमारा जले नहीं इसके लिए। अब ऑयल को होने देंगे जब तक हम बटर भी ले लेंगे। यहाँ पे मेरे पास में मैं अमूल बटर का यूज़ कर रही हूँ, आपके वहाँ जो मिलता है आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बन के रेडी होगा, तो ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। बटर भी डाल दी मैंने इसके अंदर, जैसे ही बटर और ऑयल मिक्स हो जाएगा मेल्ट होके। देखिए ये पालक वाला मैं पास्ता बना रही हूँ, इसके लिए इसके अंदर कोई वेजिस नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन ये पास्ता इटालियन इस तरीके से ही बनता है, तो वही मैं आपके साथ में परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे बटर और ऑयल मेल्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैंने फ्रेश गार्लिक, 8 से 10 लहसुन के जवे लेना, और उसके अंदर 2 हरी मिर्ची मैंने डाली हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से तीखा ले सकते हैं, ठीक है। माशाल्लाह जैसी बटर में डाली, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना, बहुत ही अच्छी। और ऐसा भी गार्लिक हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत बेनिफिट होते हैं। अगर आप रोज़ रात में एक लहसुन को खा के ऊपर से गर्म पानी पी लेते हैं, तो आपका डाइजेशन है, खून आपका, जिसका खून पतला है, ब्लॉकेज है, उसके लिए बहुत फ़ायदा करता है। यहाँ पे जो मैंने वाइट वाली पार्ट्स कट करी हूँ अनियन के, ये डाल देंगे, इसको भी इसके साथ में सोटे करेंगे। इसी के साथ में मैं चिकन डालूँगी, ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही झटपट सी और मज़ेदार सी ये रेसिपी आपकी जो बन के रेडी होगी ना, तो आपको भी बहुत ही मज़ा आने वाला है। जैसे कि चिकन का कलर हल्का सा चेंज होगा, तो इसके अंदर अभी हम डालेंगे नमक। तो नमक में मैं इसमें क्या करूँगी, चिकन पाउडर का थोड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास में हो तो डालिएगा, नहीं तो आप मैगी क्यूब पे आता है ना, चिकन का या वेज दोनों भी, ये मेरे पास में चिकन पाउडर है तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह,
बहुत ही बेहतरीन बनता है ये, ट्राई करिएगा एक टाइम ज़रूर। यहाँ पे देखें हो गया है, अब मैं इसके अंदर ये जो पालक है ये डाल दूंगी। माशाल्लाह, और एकदम हेल्दी रेसिपी हो जाएगी ये, और बच्चों को पता भी नहीं लगेगा कि आप इस तरीके से बच्चों को पालक बना के खिला दिए, ठीक है ना। माशाल्लाह, अब इसके ऊपर मैं अब थोड़ा सा बटर में और डालूंगी, ठीक है। बटर का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही अच्छा आता है। और अभी तक का देखिए आपने, मैंने नमक का यूज़ नहीं करी हूँ। अब मैं डालूंगी इसके ऊपर वाइट पेपर्स, वाइट पेपर डाल दी मैंने। अब इसके ऊपर डालेंगे हम ब्लैक पेपर, ये मैंने ब्लैक पेपर भी डाल दी। यहाँ पे हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा जितना आपके घर में बच्चे खाते हैं। बहुत ही परफेक्ट और इजी रेसिपी बता रही हूँ, और खाने में बहुत ही लजीज और बहुत ही अमेजिंग है ये, ट्राई ज़रूर करिएगा। मैं मेरे घर में बना रही थी तो बस मेरा मन ऐसा हुआ कि मैं इसका वीडियो बना के आपके साथ में शेयर भी कर दूं। यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये ऑयल छोड़ दिया, मतलब पालक हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से भून चुकी है। तो अब इसके अंदर मेरे पास में यहाँ पे देखें ये शेजवान का ग्रीन वाला सॉस है, ठीक है, ग्रीन वाला, रेड वाला नहीं है, ये देखिए। तो ये मैं डाल दूँगी, इसका बहुत ही अच्छा एक स्पाइसी और ट्रेंगी फ्लेवर है जो बहुत मज़ा लगता है खाने में। तो ये डाल दी, अब इसके अंदर जाएगा सब में बच्चों का फेवरेट मेयोनीज, ठीक है। मेयोनीज डाल दी हमने, एकदम क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा इसके अंदर, यमी सा। अब यहाँ पे आप लोग देखें मैंने जो पास्ता रखी है वो मैं पास्ता डाल दूंगी। बहुत ही डिलीशियस और ज़बरदस्त बनके ये रेडी होगा, आपके मुंह में पानी आ रहा होगा देख के। इसका लुक देख सकते हैं आप लोग कितना मज़े का लग रहा है ये, बहुत ही ज़बरदस्त। और मैं इसके अंदर पानी का यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा मिल्क, ठीक है, दूध थोड़ा सा मैं डालूँगी इसके अंदर। ये एकदम क्रीमी टेक्सचर आने के लिए पानी आप भी यूज़ नहीं करिएगा बिल्कुल भी। ये देखिए बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यम्मी लग रहा है। अब पास्ता तो हमारा बॉयल है, इसको ज़्यादा देर आपको पकाना नहीं है, एक दो मिनट इसको रखेंगे हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स बनके ये रेडी हो गई। अब इसके ऊपर हम चीज़, एक मैंने अमूल का चीज़ क्यूब ली हूँ, बस गैस को अभी कर देंगे बंद। ये एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुकी है। कितना टाइम लगा आप देख सकते हैं, बहुत ही झटपट से मैंने ये रेसिपी आप लोगों को दी हूँ। और यहाँ पे मैंने आपको बताई कि मैंने टमाटो काट के रखी हूँ थोड़ा गार्निशिंग के लिए। तो ये इस तरीके से आप थोड़े से रख दीजिएगा, तो ये बहुत ही मज़े का ये बन के रेडी हो गया है। वाह, एकदम डिलीशियस। ये जो थोड़े टमाटे ऊपर आएंगे ना तो ये बहुत ही मज़े के लगेंगे, हल्के से देखने में, गार्निशिंग के लिए भी ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन बेस्ट है ना। तो गैस बंद करते आइए आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। और कैसी लगी ये झटपट
इफ्तार की रेसिपी तो मुझे बताइएगा, इफ्तार लंच सहरी जिसमें चाहे आप बना के खा सकते हैं, ये बहुत ही मज़े का लग सकता है। लेकिन पूरा दिन रोज़ा रहने के बाद दिल होता है हमारा कोई चटपटा खाने, तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा और बच्चों को भी बना के दे सकते हैं, झटपट सी रेसिपी है। फ्रेंड बताइएगा ये मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो अपने प्यार भरे कमेंट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। देख सकते हैं आप लोग कितना डिलीशियस और बहुत ही ज़बरदस्त से बटरफ्लाई स्पिनिश पास्ता बनके ये रेडी है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गार्निशिंग करी हूँ, ये पालक को फ्राई करके रखी हूँ थोड़ा सा बटर के साथ में। बहुत ही ज़बरदस्त बनके ये रेडी हुआ है, आप लोग इसका टेक्सचर भी देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, खाने में भी बहुत ही यम्मी। ये देखें आप लोग, बहुत ही लुक इसका अच्छा आ रहा है, बच्चे तो बहुत ही शौक से खाएंगे। अच्छी लगे तो लाइक करके बताइएगा मुझे। वाह बहुत ही मस्त बना, दुआ में याद रखिएगा। फिर से मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।